सबसे पहले जय श्री राम। देखिए एक ट्रेलर के बाद जो जितना पिक्चर ना पिक्चर ऑडियंस के अंदर एक उत्साह पैदा एक उत्साह आती है ऑडियंस के अंदर, ट्रेलर के बाद एक गाना एक सुपरहिट गाना बहुत जरूरी होता है। ये हमारे सारे कई सारे फिल्म मेकर्स ये चीज भूल गए, क्योंकि ट्रेलर एक हद तक काम करेगा लेकिन हिंदी सिनेमा में गानों की जो अहमियत है वो फिल्म मेकर्स भूल चुके हैं। ये जो गाना है ये इतना गूस बम्स वाला गाना है कि लोग इसके बाद ट्रेलर दोबारा देखेंगे फिर गाना देखेंगे, ट्रेलर देखेंगे फिर गाना देखेंगे, और फिर सब लोग अपने मन में एक ही चीज डिसाइड करेंगे कि हमको 16 जून को जाके ये पिक्चर देखना ही है। 360 डिग्री यू टर्न रेक्टिफाई हो चुके हैं। जो शुरुआत में जो टीजर आई थी ना, उस वक्त सोचो कि एक एलिवेटर है, एक लिफ्ट है और वो बेसमेंट में खड़ी थी। उसके बाद जब ट्रेलर आया है ना, वो एलिवेटर बेसमेंट से सीधा टॉप फ्लोर तक पहुंच गया, और अभी जो गाना आया है उसके बाद वो एलिवेटर फ्लोर पे नहीं है, वो आसमान में उड़ रहा है। क्योंकि देखिए अजय अतुल ने गाना बनाया, अजय अतुल जैसे मैंने पहले भी कहा था, अजय अतुल ने आज तक अपने करियर में एक खराब गाना, एक खराब धुन, एक खराब सुर तक नहीं दिया है। और इस गाने में जो भक्ति होती है वो उन्होंने पूरी तरह से वो भक्ति लाया है। हम जब गाना सुनेंगे हमें सारे के सारे इमेजेस हमारे मन में ना एक तस्वीर पैदा होगा, वो इस गाने का कमाल है। और उसके बाद फिर वो गाना जो है ना, आजकल ना क्या होता है ना, बहुत सारे गाने होते हैं ना वो पार्टी के माहौल में चलता है लेकिन वो फिल्म के साथ मर्ज नहीं होता है। ये गाना फिल्म के साथ मर्ज होता है, नरेशन के साथ मर्ज होता है, ये इसकी सबसे खास बात है। सो थैंक यू सो मच, जाइए सब लोग आदि पुरुष के लिए, जाइए 16 जून को, इट्स गोइंग टू रॉक। देखिए आपने कहा जय श्री राम और फिर आपने गाना कहा, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी मनुष्य ऐसा कोई गाना बना सकता है जो प्रभु श्री राम या किसी भी देवी देवताओं को छू जाए। तो आई थिंक अगर आप इसका देखेंगे, नॉर्मली जो आस्था के जो मैं कहूँगा गीत होते हैं उसमें एक डिवोशनल एलिमेंट रहता है, लेकिन जब आप इस गाने के कॉन्टेक्स्ट इसके विजुअल के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि ये देखने और सुनने में ऐसा लग रहा है जैसे एक वॉर क्राई है, एक युद्ध का नारा है। और ट्रेलर लॉन्च के दौरान, इस गाने के लॉन्च के दौरान देवदत्त नागेजी ने बहुत अच्छा शब्द किया कि ये जय श्री राम का जैसे कोई जयघोष है। तो मेरे ख्याल से ये गाना नहीं है बल्कि श्री राम, प्रभु श्री राम का एक जयघोष है। और इसके आई थिंक म्यूजिक देखिए, शुरुआत में ये धीमे धीमे से चालू होता है और फिर जो इसका सेकंड हाफ है वहाँ पे हम अंग्रेजी का जो एक शब्द कहते हैं क्रेशेंडो, तो वो चीज़ आपको इस गाने में सुनने को मिलेगी। ओवरऑल मेरे ख्याल से म्यूजिक अच्छा है, लिरिक्स भी मेरे ख्याल से अच्छे हैं। कुछ एक दो जगह पे आई थिंक कुछ शब्द है जो शायद वो थोड़े अजीब है, ये कह सकता हूँ, ज़्यादा कुछ मैं कहूँगा नहीं। बट ओवरऑल ये है कि हाँ, जैसी ये कहानी है राम कथा है। और एक मैं कहूँगा, नॉर्मली जो हम संगीत की बात करते हैं डिवोशनल म्यूजिक की, तो उसे हमने एक ट्रेडिशनल वे में कंज्यूम किया है। जैसे अगर आप रामायण सीरियल की याद करें, जो उस दौर के दर्शक है जिसके अंदर मैं भी शामिल हूँ, और उसमें ऑब्वियसली हमें रामानंद सागर, फिर आगे महेंद्र कपूर, इनकी आवाज़ सुनने मिलती थी। तो जो राम चौपाई है वो तो खैर युग युग से लिखी गई है, और मुझे लगता है इस युग के लिए और खासकर इस फिल्म के बाद एक मेरे ख्याल से एक नया एक इतिहास रचा गया है राम गीत के उसमें। ओवरऑल मैं कहूँगा गाना अच्छा है, इसमें जाहिर है आपको समवेयर डाउन द लाइन एक लीडरशिप क्वालिटी आपको इस गाने के म्यूजिक इसके बोल में देखने को मिलेगी, और मेरे ख्याल से ये लोगों को यूनाइट करेगी। तो मैं लोगों से गुजारिश करूंगा कि अगर आपको अजय अतुल का म्यूजिक पसंद है और उनके लिए भी ये एक अनोखा एक्सपीरियंस है, बस जाते जाते मैं यही कहूँगा जय श्री राम। बहुत ही बढ़िया गाना है, अजय और अतुल जी द्वारा गाया हुआ गाना है, हम उससे बहुत ही काफी कनेक्ट कर पाते हैं। और जो राम भक्त है उनके लिए तो एक अलग ही वाइब हो जाती है कि नहीं, मतलब ये क्या गाना है, एकदम दिल को छू जाने वाला। तो ये बहुत ही अच्छा गाना उन्होंने आज लॉन्च किया है, वो बहुत ही अच्छा लगा हमें। हाँ, गाना काफी बेहतर था पहले के दौर पे और बहुत ही मतलब अच्छे वे में उसको रिप्रेजेंट किया गया है, तो बहुत ही आगे चल के ये जाने वाला है गाना, हिट होने वाली मूवी भी ये गाने के कारण, और बहुत ही मजा आया इसको सुन के। बहुत अच्छा है, अजय अतुल जी ने बहुत कमाल का काम किया है, धमाल मचा दिया है। आई थिंक इससे अच्छा जय श्री राम का एंथम कोई हो नहीं सकता था। मनोज जी के लिरिक्स बहुत अच्छे हैं, बहुत उमदा लिरिक्स है, एंड आई वॉन्ट टू कंग्रेच द एंटायर टीम, क्योंकि ऐसा म्यूजिक और ऐसा कॉम्पोजिशन बहुत कम सुनने को मिला है, वो भी श्री राम के ऊपर, जो मतलब हमारी संस्कृति का इतना बड़ा पार्ट है, हमारी संस्कृति उन पे बेस्ड है, तो ऐसा म्यूजिक ऐसा गाना उन पे बना है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम, आई एम वेरी प्राउड ऑफ टी सीरीज। नहीं, मुझे कोई कमी नहीं दिखी, आई थिंक वी शुड एंजॉय सिनेमा द वे इट इज। बहुत अच्छा, बहुत बखूबी, बहुत अच्छा काम किया है ओम रावत जी ने,
और जो एलिगेशन लगी थी आई थिंक उनका बहुत ज्यादा करेक्शन हो गया है. नाउ इट इज फैबुलस, इट इज रेडी फॉर द ऑडियंस टू वॉच. एंड ओम रावत जी आए थे बहुत अच्छी तरीके से, उन्होंने अपनी मेहनत के बारे में बताया. भूषण जी भी यहाँ थे, बहुत अच्छा लगा. एंड द म्यूजिक एंड द कॉम्पोजिशन ऑफ द फिल्म इज फैबुलस. एलिगेशन का आपको लेना देना नहीं है क्योंकि जो करेक्शन है वो ऑलरेडी मेकर्स कर चुके हैं. मैं लोगों को यही बोलना चाहूंगी, जय श्री राम. जितने भी राम भक्त हैं जिनको अपनी संस्कृति के बारे में पता है, और उन लोगों को भी बोलना चाहूंगी जो राम पे टिप्पणी करते हैं कि राम कभी थे ही नहीं, प्लीज ये फिल्म देखिए क्योंकि आपको पता चलेगा कि जो भारत की संस्कृति है कितनी स्ट्रांग है. और राम इज नॉट मिथ, राम एग्जिस्टेड, ही स्टिल एग्जिस्ट. जय श्री राम, जय हनुमान.